बार फिर नकली पुलिस असली वाले पुलिस बनकर व्यापारी को ठग कर आराम से चले गए और पानीपत पुलिस के हाथ फिर एक बार खाली रह गए। नकली पुलिस पिछले कई महीनों से पानीपत में वारदातों को अंजाम दे रही है। आज भी नकली पुलिस ने व्यापारी को निशाना बनाकर लाखों रुपए ठग लिए। ठगों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पानीपत में ईरानी गैंग का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नकली पुलिस बन लोगों को ठगने वाले गिरोह ने आज सेठी चौक पर फिर एक वारदात को अंजाम दिया। नकली पुलिस बन लोगों को ठगने वाले गिरोह ने आज सेठी चौक पर फिर एक वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के जयपुर जिले से पानीपत में कपड़े की खरीदारी करने आए व्यापारी जगमोहन से बैग चेकिंग के नाम पर 1,10,000 रुपए लूट लिए गए। लूट का सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि कैसे दो युवक व्यापारी के पास आते हैं और व्यापारी को जांच के लिए साइड में लेकर जा रहे हैं। व्यापारी जगमोहन का कहना है कि वह आज सुबह पानीपत पहुंचा और करीब 9 बजे सेठी चौक पर दो युवक आए और अपने आप को पुलिस बताने लगे। बदमाशों ने अपने आप को पुलिस साबित करने के लिए एक कार्ड भी बना रखा है। कार्ड दिखाने के बाद बदमाशों ने युवक को चेकिंग करवाने के लिए कहा और 1,10,000 रुपए लूट लिए। सुबह सुबह 3 लोग आए थे तो उन्होंने मेरे से बोले मैं थाने से हूँ, जो यहाँ के थाने के नाम लिया, मेरे को पानीपत थाने से आया हूँ, तो तुम्हारे हाथ में जो बैग है तो उसका चेकिंग कराओ, उसमें कोई हथियार तो नहीं है, चुनाव का टाइम है, ये है। उन्होंने खूब बात ऐसी बोली। उन्होंने फिर मैंने उनको बैग चेक कराया तो एक और व्यापारी था तो उसका भी चेक किया, वो उनके साथ में मिली भगत थी और मुझे ये नहीं मालूम था भाई ये वैसे लोग हैं, तो मैंने बैग चेक करा दिया तो उन्होंने मेरे जेब में पैसे थे तो उन्होंने बोले पैसे बैग में रखो आप, तो मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने ज़बरदस्ती पैसे निकाल के बैग में रखने की कोशिश करी तो बैग में रखे नहीं, उन्होंने अपनी जेब में डाल के पैसे लेकर रवाना हो गए। 1,10,000। 1,10,000 माँ आते मेरे को आज 15-16 साल हो गए, मेरे पापा भी आते थे, अब 5 साल से मैं आ रहा हूँ, जो थोड़ा जयपुर से आया हूँ। उसने मेरे को बोला तेरे बैग में पैसे रख दिया, एक और आया था जो उसको पकड़ के लेके गया था, बोल मैं इसको लेके जा रहा हूँ थाने में। बिल्कुल पूछा था, उसने बोला मेरे पास ये कार्ड है देख ले, कार्ड में लिखा हुआ था, मेंशन था, उसने एक फर्जी कार्ड बना रखा था, इतना सा आईडी कार्ड था, मैंने देखा हो सकता है पुलिस में होगा। वहीं मौके पर किला थाना पुलिस पहुंची और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि नकली पुलिस बन कुछ लोगों ने व्यापारी के साथ ठगी की है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो जयपुर का व्यापारी था, वो यहाँ सुबह माल बस अड्डे से उतर कर यहाँ आया था, दो आदमी फुटेज के हिसाब से दिखाई दे रहे, उन्होंने उसकी चेकिंग वैसे उसको बुलाकर बैग से 1,10,000 निकाल लिए, हम उसकी जांच कर रहे हैं। ये लूटपाट तो फुटेज आपने भी देखी है, लूटपाट नहीं कह सकते, सभी आदमी भी हैं यहाँ, सारी बात है, उसको कौन सी बातों में देखते हैं ये भी नहीं समझ पा रहे, फिर भी जांच कर रहे हैं, लूटपाट और इधर कार्रवाई कर रहे हैं। सेठी चौक के दुकानदारों का कहना है कि व्यापारियों के साथ लूटपाट की वारदात लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। ये पहले एक वारदात अमर उजोक हो चुकी है, एक किले से इधर हलवाई अड्डे पे हो चुकी है, अब ये तीसरी वारदात यहाँ सेठी चौक पे हो रही है। किस तरह से आते हैं ये नकली पुलिस की वर्दी में, एक बंदा पुलिस की नकली वर्दी में आया था, दो बंदे उसके साथ के सिविल ड्रेस पे कहते आए हैं और वो इनके साथ आके फ्रॉड करके ले गए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जयपुर के हैं, श्री जगदम्बा एलम जयपुर। पानीपत में यह पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी अमर भवन चौक, जगन्नाथ मंदिर रोड पर भी कई वारदातें सामने आ चुकी है। ताजे घटनाक्रम के बाद व्यापारी के दिल में पुलिस के प्रति फिर से रोष देखा जा सकता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए विपुल जग्गा के साथ प्रदीप पांचाल की रिपोर्ट।